ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم দেরি করবি না أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اجلاس عام کے صدر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز اور سمانت صاحبان شری رام پور ڈسٹرکٹ مالدہ اس کے اطراف و اکناف سے اور وہ جواب سے آس پاس پڑوس سے اور دور دراز سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات ایک لمبے اور طویل عرصے کے بعد آپ تک پہنچنے کا موقع ملا
18 मार्च 2019 को मेरा प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट पाकुड़ में हुआ था और 22 मार्च को लॉकडाउन पूरे मुल्क के अंदर लगा दिया गया और 18 मार्च से लेकर आज 12 नवंबर इस पूरे 8 महीने के पीरियड में किसी भी जगह कोई जलसा अभी तक नहीं हुआ। लॉकडाउन के बाद मैं समझता हूं कि ये मेरा पहला जलसा है। मेरी तकरीर की शुरुआत भी बंगाल ही से हुई थी। मेरी उम्र जब बहुत कम थी तो मुअज्जमपुर में कोहराम हुआ था। लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरुआत भी बंगाल ही की सरजमीन से हुई। मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ वरना जुमे के खुतबे तो मैंने दिए हैं, दे रहा हूँ। जुमे का खुतबा जो हम अपने जिले में अपने शहर में देते हैं अपनी शाही जामा मस्जिद में उसमें चल रहा है, लाइव भी आता है और वो यूट्यूब पर भी आता है, आप देख सकते हैं सुन सकते हैं। प्रोग्राम की ये पहली दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि इन दिनों के अंदर जो भी दीनी काम रुके अल्लाह ताला उनमें असर नौ ताजी पैदा करवाए, उनको दोबारा चालू करे। कितने मदरसे बंद हैं, कितने तलबा की पढ़ाई रुकी हुई है, कितने मदरसों के असातिज़ा की तनख्वाहें रुकी हुई है। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूं कि इन दिनों में बहुत कुछ इबरत हासिल मैंने भी की है, आपको भी इबरत हासिल करना चाहिए। हमें कभी फुर्सत नहीं मिलती थी कि अपने घर में अपने माँ बाप को देख लें, इन 8 महीनों में मौका मिला अपने माँ बाप की खिदमत करने का, उनकी अच्छी तरीके से दवा और इलाज कराने का। घर वालों को शिकायत थी आपके पास घर के लिए टाइम नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं आप सबके साथ भी यही मामला था। लॉकडाउन हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, वो सब अहले सियासत जाने, अहले हुकूमत जाने, ये उनका काम है, वो गौर करें। बहरहाल हमसे कितनी दुआ करेंगे कि इलाहा आलमीन हम तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को, उसमें हमारे मुस्लिम भाई गैर मुस्लिम भाई सब शामिल हैं, हम सिर्फ ये दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बासहत रखें, सेहत व आफियत से रखें। कोरोना एक मर्ज था, है, वो अभी गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ। ये अलग बात है कि जितना बड़ा उसका प्रोपेगेंडा किया गया वो उतना बड़ा प्रोपेगेंडे का हकदार नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुहलिक बीमारी से हमारे मुल्क को नजात अता फरमाए। मुझसे पहले जो खतीब आपके रूबरू थे, आपसे बोल रहे थे, मैंने जहां तक समझा
शायद वो तकवे के मौजू पर कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। पूरी तकरीर उनकी किस मौजू पर रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुरान की एक दो आयतें सुनने से अंदाजा लगा कि वो तकवे के मौजू पर कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। तकवा ये रूह है इबादत की। हमारी इबादत से अगर तकवा निकाल लिया जाए, खौफ खुदा अगर निकाल लिया जाए, तो इबादत बेकार है। कुरान करीम पढ़िए, जहां जहां ईमान का जिक्र किया गया है तकवे को ईमान के साथ जोड़ा गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, आमनु और फिर इत्तक़ुल्लाह, आए अहले ईमान, आए मोमिनों, आए मुसलमानों, अल्लाह से डरो। हक़ तुकाती ही और अल्लाह से वैसे डरो जैसे उससे डरने का हक है। देखिए, सिर्फ ये नहीं कहा गया कि अल्लाह से डरो, बल्कि ये कहा जा रहा है कि डरो भी, और डर भी कैसा, जैसा उससे डरने का हक है। आप हर शख्स को उसका हक देते हैं कि नहीं देते? इंसान बड़ा भाई छोटे भाई, छोटा भाई बड़े भाई से डरता है, बेटा अपने बाप से डरता है, शागिर्द अपने उस्ताद से डरता है, शौहर बीवी अपने शौहर से डरती है। हो सकता है हमारी बात से सब मुत्तफिक ना हो, आजकल तो बीवियां कहां डरती हैं, आजकल तो शौहर ही डरते हैं। तो सबका हक है, तो जैसे आप सबसे डरते हो उसके हक के साथ, उसी तरह अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है उस तरह। इंसान खतरनाक जानवरों से भी डरता है। अचानक हम जा रहे हैं, शेर हमारे सामने आ गया, हम डर गए। शेर हमारे सामने आ गया, हम डर जाएंगे। अब उससे डरने का मतलब ये कि उसके सामने भी बताइए और भागिए दूर। आप शेर को देख के भाग रहे हैं, ये शेर से डरने का। सांप सामने आ गया, अब सांप से डरने का हक क्या है, उसको देख के भागिए? नहीं, सांप से डरने का मतलब ये है कि आप जानबूझकर उसको छेड़िए नहीं और उसके मुंह में अपनी उंगली मत दीजिए। अगर डस लेगा तो आप उसके जहर से मर जाएंगे। ये उससे डरने का। आग लग गई, आग से आप डर रहे हैं लेकिन आग को देखकर भाग रहे हैं? नहीं, आग से डरने का हक मतलब क्या है कि आप उसके अंदर जानबूझकर जब मत लगाइए, छलांग मत लगाइए, कूदिए नहीं। ये है आग से डरने का। लोग कहते हैं मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, ये जुमला भी सही नहीं है। हमें डरना चाहिए। मजासन एक लड़के को अपने बाप से डरना चाहिए, छोटे भाई को बड़े भाई से भी डरना चाहिए। हर हर सबका एक हक है उस हक के साथ। लेकिन अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह को देखते भागो, मैं डर रहा हूं वो कर, अल्लाह देख रहा हूं, ये मतलब नहीं है अल्लाह से डरने का। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है वो अपनी ड्यूटी समझकर करिए, और जिन कामों से रोका है आप अपनी ड्यूटी समझकर उससे रुक जाइए। ये है अल्लाह से डरने का। जिन कामों के करने पर जहन्नम बताई है, आप ऐसे आमाल से बचिए जो आपको जहन्नम में ले जाए।
पर जन्नत बताई है, आप उन कामों को करिए ताकि आप जन्नत में चले जाएं। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। एक दूसरी जगह अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अहले ईमान, ऐ मुसलमानों, अल्लाह से डरो। देखिए और आगे क्या कहा, वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। और हर मनुष्य को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर पर्सन को ये गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने क्या तैयारी की है। ये डरने का मतलब, कल कयामत के दिन के लिए आपने क्या तैयारी की है, ये है डरने का मतलब। गौर करिए, सुबह उठे थे आप, शाम को जलसा सुनने के बाद जब आप कमरे में जाएं सोने के लिए, तो आप सुबह से लेकर शाम तक सोचे आज हम कलियाचक गए थे क्या किया था, आज हम मौजमपुर गए थे क्या किया था, कितनी बीड़ी पी है, कितनी सिगरेट पी है, कितनी खैनी खाई है, कितना सूटी वाला पान खाया है, कितनी गाली बकी है, कितना कैरम बोर्ड खेला है, सब सोचिए। और यह भी गौर कीजिए कि नमाज कितनी पढ़ी है, अच्छे काम कितने किए हैं। सुबह से शाम तक एक फहरिस्त तैयार कीजिए, लिस्ट तैयार कीजिए, और फिर देखिए कि आपने अच्छे काम ज्यादा किए हैं या बुरे काम। और सुबह जब उठो तो दूसरे दिन नेक काम करने में आगे बढ़िए और बुराइयों को कम करने की कोशिश कीजिए। एक एक बुराई रोजाना हम कम करते जाए तो हमारा नफ्स पाक हो जाए, तज़किया नफ्स हम कर लें और अपने दिल को पाक और साफ कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें हिसाब और किताब करना होगा अपनी जिंदगी का, अपनी जिंदगी का हिसाब और किताब करना होगा। वरना दुनिया में ऐसे ऐसे ताबईन और तबा ताबईन गुजरे हैं कि जब उनके इंतकाल का वक्त आ रहा है तो उनकी बहन रो रही है, पूछा क्यों रो रही हो, कहा कि आपकी तबीयत खराब है, आपके इंतकाल का वक्त करीब है, ऐसी बीमारी में कौन बचता है, पता नहीं आपकी आंख कब बंद हो जाए, इस दुनिया से आप चले जाएं। तो जानते हो क्या कहते हैं वो, मेरी प्यारी बहन, इस वक्त में रोने की जरूरत नहीं है, घर के जिस कोने में तुम रो रही हो, मेरी बीमारी देखकर जिस कोने में बैठकर तुम रो रही हो, इस कोने में बैठकर मैंने अब तक 1800 मरतबा कुरान करीम की तिलावत की है, इस कोने में अब तक मैंने 1800 मरतबा कुरान पढ़ा है। और कीजिएगा गिनती, तादाद देखिए, मैंने 1800 मरतबा कुरान करीम की तिलावत की है। मुझे उम्मीद है मेरा रब इस कुरान करीम की तिलावत की वजह से मुझ पर जुल्म नहीं करेगा, मुझे जहन्नम नहीं देगा। मुझे रब की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह ये तिलावत कलाम पाक, ये कसरत तिलावत, ये कुरान की कसरत तिलावत इंशाअल्लाह मुझे जन्नत में ले जाएगी। मेरी बहन, मेरी बीमारी पर और मेरे इंतकाल पर रोने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई थर्ड क्लास की जिंदगी से फर्स्ट क्लास की जिंदगी की तरफ जा रहा है, तुम्हारा भाई इस गिरी हुई जिंदगी से अच्छी जिंदगी की तरफ जा रहा है, तुम्हारा भाई गिरे हुए मकाम से, गिरे हुए घर से अच्छे घर की तरफ जा रहा है। मुझे अपनी इबादत, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी इबादतों को जाय नहीं करेगा। अपनी नेकियों को गिना करते थे। हमारे सहाबा की जिंदगी पढ़ें आप, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ पढ़िए अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की। सहाबा इकराम जब आजान की आवाज सुनते थे तो मस्जिद की तरफ जाते थे, और जब मस्जिद की तरफ जाते थे तो वो छोटे छोटे कदम रखते थे, लंबे लंबे कदम नहीं, छोटे छोटे कदम रखते थे। उनसे पूछा जाता था कि तुम इतना सिलो, इतने छोटे छोटे कदम क्यों रखते हो, तो फरमाते तुमने सुना नहीं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम मस्जिद की तरफ जाते हो एक कदम रखते हो, तो तुम्हारे एक कदम पर अल्लाह तुम्हें एक
कितने की देता है और एक गुनाह को माफ कर देता है। मैं इसलिए छोटे छोटे कदम रखता हूँ ताकि मस्जिद तक जाते हुए हमारे कदम की संख्या उसकी तादाद ज्यादा हो जाए, हमारे कदमों की तादाद ज्यादा हो जाए और हमारे नाम अमल में नेकियां ज्यादा लिख ली जाए और हमारे उतने ही गुनाह खत्म हो जाए और मिट जाए। ये हमारे सहाबा की ये उनकी जिंदगी होती थी, ये तक्वे से भरी हुई जिंदगी हुआ करती थी। या अय्युहल्लज़ीना मनुत्तकुल्लाह वल्तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। ऐ मुसलमानों, अल्लाह क्या कहता है, ऐ मुसलमानों, ऐ अहले ईमान, ऐ मोमिनों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सोचो, विचार करो, गौर करो, गौर करो, विचार कल कयामत के दिन के लिए तुमने कौन सी तैयारी की है। कयामत और कयामत का खतरनाक मंजर और कयामत की निशानियां और कयामत की अलामत, इस टॉपिक पर तो कल गुफ्तगू होगी, लेकिन आज हम थोड़ा सा एक माहौल बना रहे हैं अमली जिंदगी। तक्वा अगर हमारी जिंदगी से निकाल लिया जाए तो बेकार है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर तकवा नहीं तो बेकार। हम नमाज पढ़ रहे हैं, तकवा अगर हमारी जिंदगी के अंदर नहीं तो बेकार। और तकवा इतना आसान है, और आज बात बता दूं, बहुत गौर से सुन लीजिएगा मेरी बात। नमाज भी पढ़ रहे हैं हम, इबादत भी कर रहे हैं हम, रोजे भी रख रहे हैं हम, दाढ़ियां भी हमारी लंबी है, लेकिन बोझ, कीला, कपट, हसद, अपने भाई की दुश्मनी हमारे दिलों से हमारे सीनों से नहीं निकल रही। हम जिस दुकान पर बैठते हैं, मेरी इनकम 10 रुपए है, हमें अपने 10 रुपए की फिक्र नहीं है, उसकी चिंता नहीं है कि हमारी इतनी कम इनकम क्यों है। हमें फिक्र यह है कि मेरे पड़ोस में जो दुकान है वो 100 रुपए क्यों कमा रहा है कि नहीं। ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि ये चीज है कि नहीं। अब हम परेशान ये हैं कि हमें तो 10 रुपए की आमदनी और इनकम हो रही है, इसको 100 रुपए की हो रही है। अब हम ये नहीं सोच रहे हैं कि उसकी तरह हम भी मेहनत करें, हम ये सोच रहे हैं कि उसके 100 रुपए का धंधा कैसे बंद हो जाए। और इस चक्कर में हम जा रहे हैं कठमुल्लाओं के पास। क्या कहते हैं साहब, उसकी बहुत चल रही है दुकान, मेरी कम चल रही है। वो कहता कि चलो ऐसी दुआ दे देता हूं तुम्हारी भी चलने लगे। नहीं 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 साहब, ऐसी दुआ दे दो कि उसकी बंद हो जाए। हमें ऐसा ताबीज दो, ऐसा डंडा दो, ऐसा धागा दो, ऐसा अंडा पड़ के दो, ऐसी कोई चीज दो जो हम उसकी दुकान के सामने गाड़ दें, उसका धंधा चौपट हो जाए, उसकी दुकान बंद हो जाए। क्या ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रख के बताइए, एक लंबी दाढ़ी वाला मस्जिद का 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला इमाम, क्या उसको शोभा देता है, क्या उसका जमीर गवारा करता है कि उसको ऐसा ताबीज दे कि उसकी दुकान बंद हो जाए। क्या ये कुरान ने सिखलाया है, क्या ये हदीस ने सिखलाया है, क्या ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है कि तुम ऐसा दो कि उसकी दुकान बंद हो जाए, उसकी चले। अगर कुरान और हदीस के अंदर तलाश करेंगे तो हमें ये तरीका तो मिलेगा कि अल्लाह के नबी ने हमें ऐसा रास्ता बताया है, तुम्हारी भी दुकान चले, उसकी भी दुकान चले, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं बताया कि तुम्हारी बंद हो जाए और तुम्हारे कस्टमर टूट कर उसके पास चले जाए, तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे मरने लगे और उसके आबाद होने लगे, नहीं मिलेगा आपको। और अगर कोई देता है तो समझ लो कि वो शैतानी अमल करता है, सिपली अमल करता है, जादू टोना करता है। और ये इतना बड़ा जुर्म है कि दुनिया के अंदर इस्लामी कानून के मुताबिक ऐसे आदमी की सजा सिर्फ एक ही है इस्लाम के अंदर, कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए।
अगर आपको कोई आदमी ऐसा ताबीज दे कि दूसरे की दुकान बंद हो जाए तो समझ लेना कि वो कुरान हदीस दुआ नहीं दे रहा है, वो काला जादू सिर्फ अमल गंदा अमल जादू टोना कर रहा है। और इस्लाम में इस आदमी की चाहे वो मौलवी जजीज ही क्यों ना हो, पांच वक्त का नमाज पढ़ने वाला इमाम ही क्यों ना हो, समझ लो कि उसकी सजा इस्लाम के अंदर ये कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। हमारे सामने एक ऐसा वाकया है, आओ कुरान हदीस के दलाइल की रोशनी में सुनिए। एक सहाबी कपड़े की बिजनेस करते हैं, कपड़े की दुकान है उनकी, उनकी दुकान पर एक कस्टमर आया, कपड़ा खरीदा, पसंद आया ले गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, उसको भी एक कपड़ा पसंद आया, उसने वो कपड़ा भी खरीद लिया। इस सहाबी की दुकान पर एक तीसरा कस्टमर आया, थोड़ी देर के बाद उसको भी एक कपड़ा पसंद आ गया और उसने भी कपड़ा खरीद लिया। थोड़ी देर के बाद एक चौथा कस्टमर आया, उसने कपड़ा खरीदना चाहा। ये दुकानदार जो तीन तीन कपड़े के थान बेच चुका, इसकी नजर अपने पड़ोस पर पड़ी, वो भी एक साथी है, वो भी कपड़े की दुकान खोले हुए हैं। इन्होंने देखा सुबह से लेकर जोहर तक इस आदमी की दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आया और इसका एक भी कपड़ा नहीं बिका।